आपने भी कहा कि आप लोअर मिडिल क्लास से हैं। सर मैं एक्चुअली कोठम्बी पाड़ी ग्राम पंचायत में एक छोटा सा गांव है, मैं 400 लोग रहने वाला गांव। नो वन इज माय फैमिली हैज ग्रेजुएटेड, आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट पर्सन इन माय फैमिली। मेरे पिताजी और माँ की दोनों की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आप पढ़ाई में कैसे थे? मैं एवरेज से भी बिलो था, सही में कहूँ तो। आपने मेडिकल प्रोफेशन क्यों चुना? मेरे पूरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। एक ही डॉक्टर बाहर से आके वहाँ प्रैक्टिस करता था। पहले गांव में बस भी नहीं थी, 1 किलोमीटर जाना पड़ता था, बाद में बस मिलती थी। What year is this? 1986-87 बस नहीं आती थी। पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अवेलेबल इन माय ओन विलेज कोठम्बी। और आज आप चीफ मिनिस्टर हैं। जी हाँ। कमाल की कहानी, काम कमाल की कहानी है। कभी जिंदगी में सोचा था कि मैं एक दिन गोवा का चीफ मिनिस्टर बनूंगा? एमएलए जरूर बनूंगा, मंत्री की भी तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन एमएलए बनना है। मैंने हर इंटरव्यू में एक चीज नोट की कि आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अभी-अभी आने लगा है। अच्छा, व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स? तो मेरा विजन है कि गोवा को स्वयंपूर्ण बनाना, मीन सेल्फ रिलायंट बनाना। नमस्कार, मंजिलें और भी हैं कि हमारे इस एपिसोड में मैं हूं गोवा के युवा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। अभी जब आप आ रहे थे, मैंने देखा कि आपके संतरी ने, जो आपके सिक्योरिटी वाले ने, एक जोर से नारा लगाया देश के बारे में, और फिर आप सीधा आके खड़े हुए और आपने उनको वेट किया उनके नारे को ख़त्म होने के लिए, उनके अभिनंदन को ख़त्म होने के लिए, जो कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से था, और आपने सल्यूट किया। क्या ये प्रथा हर जगह है या आप ही करते हो? जी नहीं, ये तो प्रथा हर जगह है। यानी जहाँ जहाँ पे सुबह घर से बाहर निकलते वक्त, यानी बंगले पे आने के बाद सेक्रेटरीट ऑफिस में जाते वक्त, यानी सैल्यूट करके जय हिंद करना और उसको रिस्पांस करना, हर जगह पे, हर स्टेट, हर जहाँ जहाँ पे, यानी पॉलिटिकल या द चीफ मिनिस्टर्स या बाकी जो मिनिस्टर्स और द सिक्योरिटी, इनके बीच में दिस इज द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड द रिस्पेक्ट फॉर द नेशन हमेशा के लिए रहता है, हर रोज। आपने बड़ा इंटेंसिटी से किया, मैं वेट कर रहा था आपको और मैंने देखा आप आए और खड़े हुए, तो ये जो भाव आप में हैं, आई एम श्योर ये तो रूल होगा कि सबको खड़े होकर, कोई आके खड़े होकर ऐसे करके निकल जाते होंगे, क्योंकि रोज़ है और आपको पता भी नहीं था मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भाव आप में कहाँ से आता है? लेकिन अभी अभी आने लगा है। अच्छा। इस पोजिशन पर पहुँचा हूँ तो, एंड दिस मच रिस्पेक्ट आई एम गेटिंग, सो डेफिनेटली आई वांट टू सैल्यूट हिम, क्योंकि मेरे जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, यानी इस पद तक पहुंचा हूं, और जो रिस्पेक्ट मुझे अभी स्टेट, नेशन में सभी जगह पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली यानी जो रिस्पेक्ट देता है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए भी उतनी ही वो हर रोज यानी मन से आता है और मन से मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। अब तो आप इस पोजीशन पे आ गए हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट, आई थिंक द यंगेस्ट, आर यू द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? या वी हैव 2-3 इन फॉलोइंग इन द सेम एज ग्रुप। तो ये आपके फादर साहब, आपके घर में क्या देश को लेकर ऐसा माहौल था? सर मैं तो बचपन से मेरे पिताजी को यानी राष्ट्रवाद भावना से जुड़ा हुआ देख रहा हूँ। पिताजी विश्व हिंदू परिषद संघ, भारतीय जनता पार्टी, सिंस मेरे जब मैं मुझे समझ आने लगी, तब से मैं उनको देखता हूँ कि हमेशा के लिए यानी देश के बारे में बात करते हुए, पढ़ते हुए, यानी बाकी लीडर्स को सभी, यानी वही भावना, और उन्हीं से प्रेरित होके मैं एक्चुअली आई हैव उस तरफ जा सका। आपने भी कहा कि आप लोअर मिडिल क्लास से हैं, मैं भी लोअर मिडिल क्लास से हूँ, और मुझे अपने लोअर मिडिल क्लास का पूरा वातावरण बड़ी अच्छी तरह याद है, कहाँ हम छोटे से कमरे में 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम विश्व भर में जाता है यूट्यूब के जरिए, अनुपम खेर चैनल के जरिए। थोड़ा बताइए आप के बचपन का माहौल क्या था, घर का, कहाँ रहते थे, क्या आपके पिताजी, उनका नाम क्या था? पांडुरंग सावंत। तो उन डिस्क्राइब करिए सो दैट आर पीपल नो दैट आप जिस ज़मीन से आए हैं ऊपर, वो ज़मीन, उसकी रूपरेखा ऐसी थी। सर मैं एक्चुअली कोठम्बी पाड़ी ग्राम पंचायत में एक छोटा सा गांव है, मैं 400 लोग रहने वाला गांव,
उस गांव में से यानी छोटा सा ओल्ड हाउस, उसमें मेरे पिताजी तो माइंस में मशीन ऑपरेटर बोल के काम करते थे। यानी नो वन एज माई फैमिली हैज़ ग्रेजुएटेड, आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट पर्सन इन माई फैमिली। उसके बाद में मेरी बहन ग्रेजुएट हो गई, उससे पहले कोई ग्रेजुएट भी नहीं हो चुका था। जी हाँ, मेरे अंकल वो मिलिट्री में थे, वो 12वीं के बाद मिलिट्री ज्वाइन हो चुके थे, लेकिन वो तो दिल्ली या बाहर ही रहते थे। यानी मेरे मेरे पिताजी जब मुझे 12th तक पढ़ाया, बाद में खेती, बाकी यही बिजनेस था कि खेती करना और पिताजी छोटा सा कंपनी में जॉब करना, बस उसी के ऊपर। तो कंबाइन फैमिली, हमारे अंकल हम सब एक ही घर में, बड़े घर यानी एक ही घर में रहते थे। तभी से लेके टिल आई पास्ट माई ग्रेजुएट होने के बाद भी, बाद में मैंने अभी अभी शिफ्ट कर दिया, तब तक तो मैं उसी घर में जो कोठम्बी बोल के गांव में ही रहता था। मेरे 12th के बाद जब मुझे MBBS को एडमिशन नहीं मिला, मेरे पिताजी और माँ की, आई की, दोनों की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। सही अच्छा में मेरी भी इच्छा थी कि मैं मेडिकल में पढ़ूँ, डॉक्टर बनूँ, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट टाइम। कि 12th होने के बाद, यानी मैं वैसे मैं 2 बार 12th में बैठा, एक बार 12th में नहीं मिला इसलिए ड्रॉप लेके फिर से एक बार 12th की एग्ज़ाम दी, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम आई विल गेट एडमिशन फॉर द MBBS। बट नेक्स्ट टाइम भी मुझे मिल नहीं पाया, इसलिए बाद तो में मैं क्या आपको करना। थोड़ा थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। आपने बताया कि आप सीधा 12th तक आ गए, मेरा मतलब था कि आपके फादर, आपने कहा माइंस में क्या करते थे? मशीन ऑपरेटर थे, वही जो JCB बोल के, जो बड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स रहते हैं, वो खुद ऑपरेट करते थे, वो खुद चलाते थे। आपके गांव के पास? गांव के पास में चौगले कंपनीज, जो माइनिंग की कंपनी है, डिफरेंट कंपनीज में काम करते करते लास्ट ही सेटल्ड इन द चौगले कंपनी, अच्छा। जो बिग माइंस आयरन ओर निकाल देते थे। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज रहती थी, बहुत कम लोग वो मशीनरीज चला पाते थे, उसमें से मेरे पिताजी एक थे कि वो मशीनरीज चला सकते थे, वो चलाते थे। क्या यादें हैं आपकी अपने पिताजी की? घर पे जब आते थे या आपसे गले लग के मिलते थे, या खुश रहते थे या स्ट्रिक्ट थे, क्या यादें हैं? बिकॉज वो यादों से, मैं भी जॉइंट फैमिली से आया हूँ, वो किस किस्म की आपकी यादें? वैसे मेरे पिताजी तो वैसे स्ट्रिक्ट किस्म के आदमी थे, लेकिन हमेशा हमसे उनकी डिफरेंट इश्यूज पे बात होती रहती थी। यानी कभी पढ़ाई के बारे में बताते थे, लेकिन जो उनका हार्ड वर्क था, यानी खुद माइंस पे जाके काम करना, उसके बाद में आके खुद होके खेती में जाना, खेती बाड़ी करना, वो भी खुद ही करते थे। यानी बाकी तो कुछ वैसे हमारी परिस्थिति भी नहीं थी क्योंकि लेबर डाल के खेती कर सके, इतनी भी नहीं थी क्योंकि कम बाकी लोग भी घर के खेती में काम करते थे, लेकिन ही इज़ टू टेक द इनिशिएटिव्स, वो खुद होके इनिशिएटिव लेके खेती करना, काम करना, और ये सब करते करते यानी विश्व हिंदू परिषद का काम करना, बाद में राम जन्मभूमि के लिए काम करना, जो जो ड्रामा में एक्टिंग, गांव के जो मेले रहते थे, तो गांव के मेले में हर साल अने मेरे डैडी नाटक में काम करते थे। अभी वाह, भी दिसंबर में हमारी जत्रा है, तो हर हर साल के लिए कम से कम 2 या 3 नाटक में वो खुद काम करते थे। उनको पढ़ने की बहुत आदत थी, बहुत अच्छा। कंटिन्यूअसली पढ़ते थे। मेरे घर में यहाँ की जो न्यूज़पेपर थी, मुझे तो याद है, मैं दूसरी तीसरी से न्यूज़पेपर, पप्पा लाते थे वो न्यूज़पेपर, तब 1 रुपये के लिए न्यूज़पेपर था, तो तब का गोमंतक, नवप्रभा, वो न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते थे। नाटक की बुक्स पूरी पढ़ती थी, ख़ास करके ड्रामा जो छत्रपति शिवाजी महाराज पे, इस तरह के, मैंने श्री कृष्ण पे, प्रभु श्री रामचंद्र पे, इस तरह के सभी ड्रामा में मेरे पप्पा ने कुछ ना कुछ रोल हमेशा के लिए किया है, और मैं हमेशा के लिए वो रोल देखता था, उससे इंस्पायर होता था कि पापा इतने अच्छे रोल भी करते हैं नाटक में। और वो हमेशा सामाजिक तत्वों से, सामाजिक चीज़ों से जुड़े हुए नाटक करते थे ताकि दुनिया को पता लगे एक नाटक के चित्रण से। आपको उनका कौन सा प्ले में सबसे, आपको एक्टिंग की समझ थी तब, मतलब कि अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं? जी हाँ, मुझे एक्चुअली मैं तीसरी थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद मुझे मैंने उसको पता चला। मुझे अभी भी यानी
दो तीन रोल उनके अभी भी याद है, यानी श्री कृष्ण की फिल्म में उन्होंने वासुदेव का रोल किया था एक्चुअली। अच्छा। हाँ, जो उनको लेके जा रहे थे वही। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़, रायगढ़ाला जो जागे थे मराठी नाटक, उन्होंने अफजल खान का रोल किया था। अच्छा। वो नेगेटिव भी रोल वैसे बहुत बढ़िया से करते थे, लेकिन वो दो तीन रोल ऐसे उनके यानी मेरे अभी भी दिमाग में है। पर एक्टर नहीं बनना चाहते। नहीं, वो उतनी तो कहाँ मजल थी, वो तो छोटे से गांव में और नाटक में काम करना और एक्टिंग की तो बात ही अलग थी। वो तो सिर्फ गांव के जतरा में नाटक करना हाँ भाई, मैंने कहा था कि बस। सामाजिक मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए नाटक करना। हाँ हाँ बस। हाँ, तो आपने, आप पढ़ाई में कैसे थे बिफोर यू रीच्ड 12th? मैं एवरेज से भी बिलो था सही में कहूँ तो। मैंने, मेरा कभी अप टू द 10th स्टैंडर्ड क्लास में कभी फर्स्ट रैंक नहीं आया। अच्छा। इवन दो इन द 9th स्टैंडर्ड आई एम द 5th इन द क्लास। अच्छा। लेकिन मुझे लगा कि 9th स्टैंडर्ड में मैं फर्स्ट आना चाहिए। अच्छा। मैंने 9th स्टैंडर्ड में बोला कि 10th स्टैंडर्ड में कम से कम तो फर्स्ट आ जाऊंगा क्लास में, क्योंकि गांव में प्राइमरी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई थी, मराठी प्राइमरी स्कूल में। सेकंड गांव वाले स्कूल में 5th टू 10th जो गांव में ही स्कूल थी, तो गांव के स्कूल में ही तो एवरेज सभी बच्चे एवरेज से ही थे। तो 10th स्टैंडर्ड में थोड़ी पढ़ाई अच्छी करना स्टार्ट कर दिया, तो एटलीस्ट इन 10th स्टैंडर्ड आई स्टूड फर्स्ट इन अ क्लास। अच्छा। आई गॉट अ 60% ऑफ द मार्क्स। ओके। तो उससे मुझे लगा कि मैं बहुत होशियार हूँ, अभी मैं पहला आ गया हूँ। अच्छा। पूरे का सभी एवरेज बच्चे वही थे, तो बस मैं उसी वक्त फर्स्ट आ गया एक ही बार। एक ही बार पूरी जिंदगी में क्लास में फर्स्ट आना वो 10th वाला ही था। उसके बाद में कभी क्लास में फर्स्ट तो छोड़ो, ऑन एन एवरेज बाद में फर्स्ट क्लास। मेरे इस शो का मकसद यह है कि हम लोगों को, लोगों की जीवनी बताकर बता सकते हैं कि मंजिलें बहुत सारी हैं। ज़रूरी नहीं कि आप क्लास में फर्स्ट आते थे, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आते थे तो आप बहुत बड़े। आपकी प्रेरणात्मक जीवनी जो है उसके लिए मैं ये सवाल पूछता रहता हूँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होता था? वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो बायोलॉजी था। अच्छा। बायोलॉजी में मैंने टॉप मार्क्स स्कोर किए थे, इवन दो इन द 12th स्टैंडर्ड अच्छा आई हैव स्कोर द 86 मार्क्स। ओह फैंटास्टिक। यार तब 86 पढ़ना बहुत ही बहुत बड़ी बात बड़ी बात थी एक्चुअली। आई हैड स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क इन बायोलॉजी ओनली इन 12th स्टैंडर्ड। क्लास में भी मैं बायोलॉजी में टॉप किया था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में नहीं किया था। अच्छा। इसीलिए ऑन एन एवरेज बाद में मेरी 72 पे मैं अटका रहा। अच्छा। एंड व्हाट वर द अदर एक्टिविटीज? आप खेल कूद में भाग लेते थे अपने फादर की तरह, कभी नाटक वाटक में भाग लिया? ऐसा नहीं था। हाँ, गांव वाले ड्रामा में बाद में मैं भी कभी कभी भाग लेता था। जब यानी ग्रेजुएशन के बाद घर पे आना हुआ तभी, अने 4-5 साल के लिए छोटे मोटे नाटक में छोटा मोटा रोल करना ये मैं भी करता था। अने वैसा तो हमेशा के लिए रहता है कि गांव में कम से कम एक बार तो पार्ट का नाटक में भाग लेना चाहिए, तो मैं भी भाग लेता था। वैसे खेलने के लिए तो आई यूज टू प्ले कभी कभार क्रिकेट, कभी कभार फुटबॉल। वैसे यानी खूब बहुत ज़्यादा प्ले करता ऐसा नहीं था। बीच बीच में कभी गांव में बैडमिंटन का छोटा सा ग्राउंड वगैरह करके बैडमिंटन खेला करते थे, लेकिन ज़्यादा करके मुझे सोशल काम करने की बड़ी पहले से आदत रही है। यानी मैं आफ्टर द ग्रेजुएट आई स्टार्टेड इवन दो माई NGO विच इज़ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मेरी गाँव का जो क्लब था बनाया तो क्रिकेट खेलने के लिए था, विच इज द साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन। देन वी हैव कन्वर्टेड इनटू द साई लाइफ केयर विच इज एन NGO। वो तो 93 में फॉर्म हुआ था, जब 12th स्टैंडर्ड पास होने के बाद ही गांव के बच्चों ने बना के साई स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन बोल के एक क्लब, चलो टूर्नामेंट खेलते हैं, कुछ नाटक करते हैं, ये एकांकिका यानी वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन, इस तरह के डिफरेंट कॉम्पिटिशन गाँव में लगा देते थे। लेकिन आफ्टर 96 आई हैव कन्वर्टेड दैट स्पोर्ट्स क्लब इनटू NGO और उसका साई लाइफ केयर बोल के एक NGO में मैंने खुद फॉर्म कर दिया। उस फॉर्म उस दौर में हु वर योर इन्फ्लुएंसर्स? कौन थे जो आपको इन्फ्लुएंस करते थे? जैसे आपने कहा कि आपने NGO में चेंज कर दिया जो स्पोर्ट्स क्लब था, आपके फादर काम करते थे, तो आप किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, किससे प्रभावित हुए थे कि मुझे ये करना चाहिए, या अपने मन से अपने आप ही जागे आप? सबसे पहले तो मैं मेरे पापा से ही इन्फ्लुएंस था, क्योंकि समाज के प्रति कुछ तो करना चाहिए। वो कुछ न होते हुए भी गांव के लिए कुछ करते थे, खुद एक एग्जांपल सेटअप कर देते थे। यानी डेयरी स्टार्ट करना खुद होके और बाकी लोगों को बताना इस तरह से डेयरी स्टार्ट कर सकते हैं।
एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की सब्सिडी लेके स्टार्ट करना, एग्रीकल्चर बाकी लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया, उनको इन्फ्लुएंस करते थे, पोल्ट्री स्टार्ट कर दी खुद ने, उन्होंने सब तरह के बिजनेसेस खुद होके स्टार्ट किए, चाहे बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस होके स्टार्ट करने लगे। गांव में बस आनी चाहिए, इसलिए पहले गांव में बस भी नहीं थी, तो भी जाने 1 किलोमीटर जाना पड़ता था, बाद में बस मिलती थी। अच्छा, तो वो बस नीचे से हमारे गांव से किस तरह से जाए, इसलिए लोगों से सिग्नेचर लेके एक एप्लीकेशन देना, कोई पॉलिटिकल लीडर को मिलना, डिप्टी कलेक्टर को मिलना, ये बस हमारे गांव से कम बच्चों के लिए। वो अभी भी मुझे याद है कि उनके प्रयास से एक पहली बस गांव में आने लगी। अच्छा। तब तक तो 1 किलोमीटर चल के ही जाना पड़ता था। बस नहीं आती थी, बस ही नहीं थी, 1 किलोमीटर तो कम से कम चल के जाना पड़ता था। तब तक पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट अवेलेबल इन माय ओन विलेज कोठम में, और आज आप चीफ मिनिस्टर हैं। जी हाँ, कमाल की कहानी, काम कमाल की कहानी है। आपने मेडिकल प्रोफेशन क्यों चुना? आपके घर वाले, आपके फादर साहब या आसपास के लोग या तो खेती में काम करते थे या माइंस में करते, उनके दिमाग में कैसे आया कि आपको डॉक्टर बनना है, और फिर आप MBBS में पास नहीं हुए, फिर कैसी ये जर्नी शुरू हुई? मेरे पूरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। मेरे पूरे गांव नहीं, मेरे पंचायत एरिया में कोई डॉक्टर नहीं था। इन द पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4000, एक ही डॉक्टर बाहर से आके वहाँ प्रैक्टिस करता था। अच्छा। तब तक तो मैंने, मुझे लगा कि चलो, मैंने मुझे पहले से क्यों पता नहीं कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इसे लग ही रहा था। तो 10th 12th स्टैंडर्ड के बाद लगा कि डॉक्टर बनना है। आई हैड ट्राइड इन गोवा मेडिकल कॉलेज, मुझे MBBS के लिए एडमिशन मिले, लेकिन मैं 72 पे रुका, और उस साल एडमिशन इज क्लोज एट अराउंड 78 पे। अच्छा। 78 या कुछ तो 79 इस पे एडमिशन आके रुक गई। तो तब तक मुझे BAMS मैंने आयुर्वेदिक बोल के कौन सा कोर्स भी होता है ये भी पता नहीं था। मैंने अभी क्या करेंगे, तो पिताजी बोले नहीं, कहा तो बाहर MBBS के लिए डालेंगे, लेकिन हमारी उतनी तो फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं थी क्योंकि MBBS के लिए इतना। फिर भी पापा की बहुत ही इच्छा थी कि मैं MBBS में नहीं तो मेडिकल में पढ़ना चाहिए। मेरे एक पापा के कज़न ब्रदर, ही इज़ अ हेड मास्टर इन ए स्कूल, तो उनको उन्होंने बताया कुछ भी करके बेटे को मेडिकल में डालना है। तो वहाँ से निकले, ढूंढने लगे कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बेलगांव, कोल्हापुर। तो एक ने इन्फॉर्मेशन दे दिया, नहीं आयुर्वेदिक कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज में मिल सकता है। मैं, मेरे अंकल और मेरे पिताजी, बाद में सभी 5-6 जगह मुंबई में गए, बेलगांव में गए, कोल्हापुर में गए एडमिशन के लिए, लेकिन जो डोनेशन बताया और फीस विच इज़ नॉट एफोर्डेबल फॉर अस सभी जगह की। लास्टली आई गॉट, एक जगह थोड़ा डोनेशन कम बताया कि 23,000 इज द डोनेशन, और साल की फीस अप्रॉक्सीमेटली 25,000। पहले 50,000 बता रहे थे, बार्गेनिंग करके उनको 23 पे उन्होंने फाइनल कर दिया। तो पिताजी तब भी 23,000 इन द ईयर 1991। तो पिताजी ने सोचा माइंस में, ठीक है, मैंने तो चलो एडमिशन ले लेते, देखते हैं लोन बिन करके पढ़ाएंगे। कितनी तनख्वाह मिलती थी आपके फादर साहब को? As far as अभी भी मुझे याद है, not more than 4,000. That's it. In 1991-92. 4,000 से ज़्यादा नहीं. Maximum to maximum is the 5,000. फिर आपने admission लिया. कहाँ पर? I have taken the admission in Ganga Ayurvedic Medical College under Shivaji University in Kolhapur. अच्छा. और यहाँ वहाँ से loan निकाल के मेरे अंकल ने help कर दी. और दे हैव पेड। क्या नाम है आपके अंकल का? दशरथ परब। अच्छा। अभी भी हमारे साथ में ही रहते हुए, यानी वो हेडमास्टर थे, उन्होंने मदद की, और एक माय कजन ब्रदर, उन्होंने मदद की तब की, ही वाज टू वर्किंग इन द फॉरेन कंट्रीज दैट टाइम, उन्होंने वहाँ से 10,000 रुपीस वगैरह भेज के सो मैं एडमिशन ले सका, और 20,000 पे करके, मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर में कोल्हापुर में 1991 I took the admission for the BAMS. पूरे गोवा में से मैं तो वहाँ पे वैसे अकेला था, बाद में और एक लड़की ने एडमिशन ले लिया, तो बस दो ही लोग हम गोवा से थे उस कॉलेज में, बाकी तो पूरे महाराष्ट्र से सभी लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे। और फर्स्ट टाइम घर छोड़ के जाना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी ऑल्सो, तब तक तो
कभी घर छोड़ के, और वो भी इतना दूर जाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सोचा चलो डॉक्टर बनना है, तो पहली बार घर छोड़ के 5.5 साल के लिए कोल्हापुर में चला गया। आयुर्वेद का आपको कुछ इससे पहले ज्ञान था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जब एडमिशन लिया तब तक मुझे आयुर्वेद के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवन दो नो वन हैज गिवन मी एनी इन्फॉर्मेशन। मैंने वहाँ एडमिशन लेने के बाद मुझे पता चला कि गोवा में तो तब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी नहीं थी, गोवा के बच्चों के लिए 2 सीट रिजर्व रहते हैं, वहाँ जाने के बाद पता चला। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, नो वन हैज टिल डेट नो वन हैज गिवन मी एडमिशन। देन आई हैव कम्प्लीट द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, चलो गवर्नमेंट से मिला तो थोड़ी फीस कम हो जाएगी बोल के फिर आई हैव कम्प्लीट। तब मुझे पोद्दार में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन मैंने सोचा और 1 साल फिर से वेस्ट हो जाएगा। पापा भी बोलने लगे अभी नहीं, चलो ज़्यादा साल बर्बाद हो जाएगा, फीस ज़्यादा रही तो चलेगी, लेकिन आप यही पढ़ो अभी, यहाँ पे अभी सेट हो गए हैं तो फीस तो कहीं से तो अरेंज हो जाएगी, इसलिए आप वही पढ़ो। और वहाँ मैंने कंटिन्यू कर दिया 4 साल आपने, और दबा के पढ़ाई साढ़े पाँच साल साढ़े चार साल हाँ 4.5 साल कोर्स और 1 साल इंटर्नशिप में पूरा कोल्हापुर में था। क्या सीखा आपने आयुर्वेद के बारे में? मतलब You're a qualified doctor now, but lot of people have lot of जैसे बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में गाँव में आयुर्वेदा के बारे में, अब तो खैर मैं उस पर आऊँगा कि आपने आयुर्वेदा के लिए स्टेट में क्या किया है, मगर आप फर्स्ट चीज आपने क्या सीखी आयुर्वेदा के बारे में? एक्चुअली टू प्रैक्टिस इन आयुर्वेदा, जैसे कि ऑल टुगेदर बेसिक सब्जेक्ट फ्रॉम द एनाटॉमी फिजियोलॉजी टू टिल द मेडिसिन, मुझे किस तरह से आयुर्वेदा की चिकित्सा की जाती है, वही इन द सेम सब्जेक्ट लग रहा था पहले वेरी डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पास होते गया, यानी फ्रॉम बेसिक एनाटॉमी टू द मेडिसिन, यानी सब कुछ आयुर्वेदा के बारे में नॉलेज प्राप्त कर ली। और फिर आपने उसके बाद आप वापस आ गए अपने गांव? जी हाँ, मेरी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद आई हैड डायरेक्टली मैं गोवा में आ गया वापस, और मैंने सोचा अभी डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कहाँ तो जॉब करे, इसलिए तब गोवा में आयुर्वेदिक कॉलेज स्टार्ट हो चुकी थी। सो मैं जाके जस्ट अप्रोच किया उनको, तो उन्होंने मुझे रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर बोल के जॉब दे दिया गोवा में। अच्छा। गोवा के अभी जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ आई हैड जॉइन इन 1997 एज अ आरएमओ। कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 4,000 रुपीस। वाह वाह। एंड यू वर स्टिल सिंगल, यू वर नॉट मैरिड एट दिस टाइम? यस। अच्छा, तो मेरे पास एक यमा मोटरसाइकिल थी और मुझे वहाँ तनख्वाह उन्होंने बोले 4,000 से ज्यादा तो तनख्वाह हम दे नहीं सकते हैं, इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर अस ऑल्सो। आई थॉट एट लीस्ट टू स्टार्ट विथ, और नहीं तो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर को जॉब तो देने वाला ही नहीं। तो आई सेड चलो यही सही है, कुछ दिन के लिए कम से कम खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले यही कंटिन्यू कर देते। एक 8 महीने 9 महीने जॉब करने के बाद मुझे लगा कि मेरे आने जाने के लिए मुझे 3,000 रुपीज़ खर्चा होने लगे, बिकॉज ऑफ द पेट्रोल डालने के लिए 3,000 रुपये खर्चा होने लगे। तो मैंने सोचा कुछ फ़ायदा नहीं है, आई हैव लेफ्ट द जॉब and I started my because own of, practice because you could not afford. It is not affordable also to daily to travel, aur 12 ghanta job karna, 2 ghanta 1 ghanta jaane mein 1 ghanta aane mein. Uska number yaad hai mereko? Meri pehli gaadi ka mujhe number yaad hai uska, it is an 1356. Pehli gaadi ka number hamesha yaad rehta hai. Meri pehli gaadi thi MAP 5068 Fiat. Uske baad fir maine bahut sari gaadiyan li bechi, mujhe nahi yaad hai. फिर आपने वो गाड़ी किसी को बेच दी या रखी? नहीं, गाड़ी बाद में तो मैंने ऐसे ही किसी को दे डाली। बाद में मैंने मारुति कार ली। अरे वाह। अच्छा, किसको बिठाया सबसे पहले मारुति कार में अपने अलावा? नहीं, मैं तो सबसे पहले गाड़ी लेने के मैं और पिताजी गए थे। पिताजी गए तो तब तो मुझे ड्राइव करने नहीं आती थी, तो खुद पिताजी ड्राइव करके गाड़ी लेके आए। पिताजी को आती थी गाड़ी? हाँ, पिताजी को आती थी। पिताजी यूज्ड टू ड्राइव। आपके फादर बड़े एंटरप्राइजिंग इंसान है, मतलब बड़े मल्टीफैसेटेड। Will it be, तो मैंने इसी से बात शुरू की थी कि प्रेरणा, तो आपके पहले हीरो जैसे मैं कहूँ लाइफ के हीरो पिताजी थे? Yes, yes, of course, मेरे पिताजी रहे। क्या बात है, क्या बात है। इसके साथ पैरेलली आप कुछ स्टूडेंट लीडर थे या पॉलिटिक्स में आ रहे थे या क्या कर रहे थे? मैं थर्ड ईयर में अनपोज कॉलेज में GS बन चुका था। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में मेरा अनपोज फर्स्ट टाइम इन माय कॉलेज के पूरे हिस्ट्री में जनरल सेक्रेटरी बन चुका था। तब तक पहले 2-3 साल, यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन
टू अनअपोज बनना पॉसिबल ही नहीं था। वहाँ पे तो पूरी बहुत हंगामा रहता था इलेक्शंस के वक्त कॉलेज वाले। लेकिन आपकी क्या क्वालिटी ऐसी थी कि जो अनअपोज लेकर आपको जनरल सेक्रेटरी बनाई? टू मेक द फ्रेंडशिप विद एवरीवन, मैं सबसे मिलता जुलता रहता था, मेरे सीनियर से लेकर जूनियर तक मेरी बहुत अच्छी रिलेशंस रहती थी मेरे सबसे। यानी इसीलिए तो मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ इसलिए किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। तो सब बोले कि चलो आप रह रहे इसलिए मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हर एक क्लास से मुझे बताया कि नहीं चलो प्रमोद सावंत रह रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे, पी सावंत रह रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे। दैट इज ऑल दैट स्पीक्स। सो व्हाट इज योर क्वालिटी ऑफ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, नॉट ग्रेटेस्ट मे बी, व्हाट इज दैट क्वालिटी? आप कैसे सबके दोस्त बन जाते थे? आप में अहंकार कम था, ईगो कम था, या आपकी इच्छा शक्ति होती थी कि मैं लोगों को दोस्त बनाऊं? क्योंकि आई एम श्योर आप PGS बनने के लिए तो दोस्त नहीं बनाते थे, तो वो क्या क्वालिटी थी आप में जो आप, जो लोगों को आप में पसंद आती? मैं अहंकार ईगो तो मुझे कभी भी मुझे नहीं रहता था। मैं किसी के साथ यानी इजीली यानी जाके फ्रेंडशिप करता था, उसके जो कुछ उसकी यानी उसके बारे में जानना, उसकी समस्या जानना, इसके बारे में हमेशा के लिए यानी इजीली फ्रेंडशिप बनाना मेरे पहले से आदत है। कोई भी तो मैं खुद होके यानी नाम पूछना, कहाँ से क्या करते हो ये वैसे, यानी इवन दो इन द कॉलेज माई फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑल ओवर द महाराष्ट्र, तो फिर इजीली वहाँ पे जब हॉस्टल को रहते थे तो उनसे फ्रेंडशिप बनाना हमेशा के लिए। उधर का कोई फ्रेंड आपका आज भी फ्रेंड है? ढेर सारे मेरे फ्रेंड्स आज भी फ्रेंड्स है। yeah? अभी भी यानी अभी 4 महीने पहले वी डिड द गेट टुगेदर ऑफ आवर क्लास, 80 में से 68 बच्चे मुझे मिलने आज भी गेट टुगेदर को, हर 5 साल बाद हम गेट टुगेदर करते हैं। अभी मैं MLA बनने के बाद तो ज़्यादा एक्साइटेड होकर सभी आते हैं। MLA बनने के बाद आए, स्पीकर बनने के बाद आए, और अभी CM बनने के बाद जस्ट हमने गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया था तो मेरे क्लास के सभी बच्चे यानी वहाँ पे यहाँ पे आए थे। इवन दो द जूनियर क्लास एंड सीनियर क्लास दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग द गुड रिलेशंस विद मी टिल नाउ, आई एम मेंटेनिंग द रिलेशंस। बट जो आप इलेक्शंस लड़ते थे वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के को रिप्रेजेंट करते थे या कॉलेज में ऐसे होते थे इलेक्शंस? एक्चुअली तभी भी वहाँ पे NSUI वर्सेस ABVP का इलेक्शंस रहते थे यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आई एम फॉर द ABVP, तो ABVP की तरफ से इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते थे। ABVP को आपने देखिए, द डेज दैट यू आर टॉकिंग टू मी अबाउट 85, 91, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल सेवी इंसान नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि उन दिनों BJP एंड ये ज़्यादा लोग इस इलाके में पॉपुलर वगैरह नहीं थे, उनकी सरकारें वगैरह नहीं थी। एट दैट टाइम हाउ डिड यू डिसाइड दैट यू वांट टू जॉइन ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? मैं पहले से जब इन्फ्लुएंस था कि जनता पार्टी, पहले तो जनता पार्टी थी, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, तभी यानी जो एक राष्ट्रवाद विचारसरणी से काम करते मेरे डैडी आई थे, तो घर में एनवायरमेंट वही था, कल्चर वही था, और मैं 91 से द टॉप लीडर फ्रॉम द गोवा मनोहर भाई पर्रिकर और त्रिपाठी नाइक, इनसे मैं इन्फ्लुएंस था, इनका मैंने काम देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, क्योंकि जब पप्पा पार्टी से जुड़े थे, इवन दो बिफोर गोइंग फॉर द BMS मैं मनोहर भाई पर्रिकर और त्रिपाठी नाइक इन दोनों को पर्सनली जानता था, वो मुझे पर्सनली जानते थे बाय द वे। आप बहुत सक्रिय थे मतलब? हाँ, मैं सक्रिय था। इवन दो इन दैट टाइम मैं पर्सनली मनोहर भाई को मिलने के लिए भी आया था, इवन माई फॉर माई एडुकेशन लोन पर्पज, भाई हैड पर्सनली कॉल फॉर द बैंक, उनका एडुकेशन लोन दे देना प्रमोद को बोल के। अच्छा, यस। मैं मनोहर पर्रिकर जी का बहुत बड़ा फैन था, बिकॉज मैंने उनको बहुत कम ऐसे नेता हैं आजकल तो फिर भी हैं कि जो नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं। हमारे यहाँ एक नेताओं का एक खास हजूम होता था आसपास। आप कल एक 30 लोगों को मिलने गए, स्टूडेंट्स को, भारत सारे भारत के अलग अलग इलाकों से, तो पंजाब से आए हुए या दूसरी जगह से आए हुए, एक स्टूडेंट ने आपसे एक सवाल पूछा कि ऐसा कैसे है कि आप चीफ मिनिस्टर जो हैं बिना सिक्योरिटी के घूम के अंदर आ गए। तो
जो आपने एट दैट टाइम कभी जिंदगी में सोचा था कि मैं एक दिन गोवा का चीफ मिनिस्टर बनूंगा? सर मैं एमएलए बनूंगा ये मैंने सोचा था। अच्छा, चीफ मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात थी मेरी पहले से। जब अरे इनको मैं भाई भाऊ को सबको देखता था तो मुझे लगता था मैं भी एमएलए बनूंगा, एमएलए जरूर बनूंगा। मंत्री की भी तो बहुत दूर की बात थी लेकिन एमएलए बनना है ये मेरे पहले से ध्यास था। इसलिए मैं ग्रेजुएट बना तब से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे कभी ना कभी एमएलए बनना ही है, इसीलिए काम करना है बस। सो दैट इज माई ड्रीम एक्चुअली, एमएलए बनना है बोल के। चीफ मिनिस्टर बनूंगा ये कभी इतने जल्दी तो कभी सोच भी नहीं सकते। आप पहला इलेक्शन हारे थे? जी हाँ। क्या लगता है आप क्यों हारे थे? 2000 हारना जीतना लगा रहता है जिंदगी में, बट व्हाट डू यू थिंक 2008 में एक्चुअली 2008 मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था तो मनोहर भाई पर्रिकर ने बताया मुझे कि आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। सो आई हैव रिजाइंड द जॉब एंड आई हैड कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। और तब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और उसी पूरा एक उनका बहुत बड़ा माहौल था कि अभी कभी बीजेपी की सरकार आएगी नहीं। और फिर भी मैं वो इलेक्शंस हारा क्योंकि हमारे पहले वाले बीजेपी के कैंडिडेट थे, ही हैज कॉन्टेस्टेड अगेन एज इंडिपेंडेंट। अच्छा, सो द डिवीजन ऑफ वोट्स, वोट्स डिवाइड हो पाए, पार्टी वाले आइडियोलॉजी वाले वोट्स डिवाइड हो चुके इसलिए। और मैं भी फर्स्ट टाइमर था, नया था, इट इज। और उसके बाद जो आप इलेक्शन जीते उसमें आपका शेयर था 63.4%। यस, 2012 वाले इलेक्शंस में बड़ी मार्जिन से जीता, बड़े मार्जिन से, उतने ही यानी 7000 मार्जिन से जीता। हाउ मच रोल डिड योर पार्टी दैट यू वर फाइटिंग फ्रॉम द बीजेपी प्लेड एंड हाउ मच रोल डिड यू Your persona played in your winning? Definitely, लेकिन पार्टी ने मुझे जो स्टेचर दिया तब भी, पार्टी हैड गिवन मी द पोस्ट ऑफ द स्टेट यूथ प्रेसिडेंट, यूथ विंग का प्रेसिडेंट, तो डेफिनेटली स्टेचर बढ़ा दिया। और एक पार्टी का माहौल 2012 में बहुत बड़ा बन चुका था, मनोहर भाई की बहुत बड़ी एक इमेज बन चुकी थी और द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर इज मनोहर पर्रिकर। तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसी वैसे बीजेपी बेस्ड है, बीजेपी माइंडसेट वाले, दैट मेड मी इजी विन इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी एट दैट टाइम। मनोहर पर्रिकर जी से आपने क्या सीखा? बिकॉज मैं अगर कहूँ कि वो आपके मेंटोर थे तो गलत नहीं होगा। ऑफकोर्स, मनोहर भाई जिन्होंने मुझे राजनीति में लाया तो मनोहर पर्रिकर जी ने लाया, तो उनकी किरण जी के भी बहुत फेवरेट हैं। किरण जी हमेशा मुझे बोलती है मनोहर पर्रिकर जी कितने अच्छे इंसान थे, मैं तो खैर जानता ही था। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम उनकी सिंपलिसिटी और उनके जो यानी ग्रास पावर, इजीली ग्रास करते थे, इजीली सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में हमेशा के लिए यानी क्यूरियोसिटी रहती थी और वास्ट नॉलेज सब्जेक्ट का रहता था कौन सा भी। मैंने आपके बहुत सारे, मेरी रिसर्च टीम ने आपके बहुत सारे इंटरव्यू मुझे भेजे कि ये इंटरव्यू में आपको इस इलेक्शन से पहले आपका ये इंटरव्यू है। मैंने हर इंटरव्यू में एक चीज़ नोट की कि आपको गुस्सा नहीं आता है कितना ही कोई आपको प्रोवोक करे। एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें वो बार बार बोलता जा रहा था फिर कि आपने अपराधियों को फिर साथ जीता है, ये जीता, मुझे लगा अब ये अपसेट होंगे, अब ये गुस्सा होंगे, मगर आप नहीं हुए। वो पॉलिटिशियन की क्वालिटी है बिकॉज मैंने पॉलिटिशियंस को भी गुस्सा होते देखा है, या वो आप में ऑलरेडी एक सहन शक्ति है, या आप समझते हैं कि गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, या वो आयुर्वेद में सिखाया है? नहीं, आप समझो दिस इज भगवान की देन है, सहन शक्ति है, यानी सामने वाला आदमी मुझे कितना भी गुस्सा लेकिन अभी अभी आने लगा है। अच्छा, बिकॉज काम ज़्यादा बढ़ गया क्या पता मुझे, यानी अभी कभी कभी गुस्सा मुझे आने लगा है, कभी कभी मैं अनोविंगली मैं गुस्सा कर देता हूँ, पहले मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था लेकिन अभी फटाक से कभी आ जाता है। इसके दो रीज़न है, मैं अब कोशिश करता हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए, बट गुस्सा आना और इम्पेशेंट होना ये दो चीज़ें हैं। कभी कभी हम अपनी इम्पेशेंस को समझते हैं कि हमारा गुस्सा है, पर अब आपको गुस्सा आने लगा किस बात पे? जब मुझे सामने वाला जो कोई यानी झूठा है मुझे समझता है और मुझे उल्लू बनाने का बात कर रहा है
तो मुझे गुस्सा आता है, बस और कुछ नहीं। अदरवाइज आई यूज़ टू नेवर, यानी किसी के ऊपर गुस्सा कभी नहीं होता हूँ मैं। गुस्सा इज नॉट अ हैबिट। नो नो नॉट एट ऑल। सम पीपल गेट एंग्री ऑल द टाइम। नो, बट मुझे वैसा गुस्सा कभी नहीं आता है। तो यू, आप एक ऐसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जहाँ पर जहाँ वर्ल्ड डेस्टिनेशन से लोग आते हैं, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है लॉ एंड ऑर्डर की, एक खुशहाल उसकी। हाउ डू यू थिंक यू आर टैकलिंग दैट? वैसे भी गोवा इज एन एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर, द टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का भी ऑलवेज इट्स मेंटेन, यानी यहाँ के वैसे भी लोग और बाकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रहते हैं। पहले से वैसे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे हमेशा के लिए मेंटेन रही है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। एक दो तीन बार छोड़ के वैसे ज़्यादा कुछ लॉ एंड ऑर्डर कभी ये नहीं हुआ। Are you a strict administrator or are you a lenient administrator? तो मुझे लगता है कि ये बात मुझसे ज़्यादा आपको मेरे नीचे वाले जो काम करते हैं वही ज़्यादा अच्छी से बता सकते हैं। नहीं, जैसे आपने खुद बताया कि मुझे अब गुस्सा आने लगा है, तो आप अपने आप का अवलोकन तो करते हैं। आई एम नॉट डेट मच एक्चुअली स्ट्रिक्ट सच। मुझे कुछ ने गाली देके किसी से काम करवाना नहीं, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आप चाहते हैं कि पंक्चुअलिटी पे हो। अभी तो मैं यानी या जो काम होना चाहिए वो उसी वक्त होना चाहिए, पंक्चुअलिटी पे होना चाहिए। दैट्स माय हैबिट। मैंने किसी टास्क दे दिया तो वो टास्क उसने कंप्लीट कर देना चाहिए। व्हाट इज योर विजन फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड व्हाट आर योर ड्रीम्स? क्योंकि शो का नाम है मंजिलें और भी हैं, तो इसका मतलब है कि क्या वो मंजिलें हैं जहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। What are your next steps? Honorable Prime Minister had given us the vision of आत्मनिर्भर भारत। तो मेरा विजन है कि गोवा को स्वयंपूर्ण बनाना, मीन सेल्फ रिलायंट बनाना। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट सेल्फ रिलायंट कंसेप्ट, स्वयंपूर्ण कंसेप्ट सिंस फ्रॉम द 2000। कोविड के बाद काम करना स्टार्ट कर दिया है। माय स्वयंपूर्ण कंसेप्ट, देयर आर द 10 फोकल पॉइंट्स विच इज एन हाउसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, ऑल दिव्यांग के लिए एक सब इक्विपमेंट मिलना, उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। इट इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टारगेट आई हैव अचीव्ड। वेरी गुड। दैट 100% अचीव करना। और इन माई सेकेंड टेन्योर आई स्टार्टेड विद स्वयंपूर्ण गोवा 2.0, सेल्फ रिलायंट 2.0। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द स्वयंपूर्ण गोवा की। अच्छा, उन्होंने, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उन्होंने खुद होके यानी उसका एक बार पूरे सभी गोवा में जितने सारे ग्राम पंचायत है उसके सरपंच, पंच, हमारे जो स्वयंपूर्ण मित्र बोल के जो गेजेट ऑफिसर ग्राम पंचायत में जाके काम करते हैं, उनसे वर्चुअल उनका 1.5 से 2 घंटे के लिए उनके साथ में डिस्कशन हुआ। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो स्वयंपूर्ण गोवा कम्प्लीट करना, ये मेरा विजन है। और लेट्स बस इतना बोलूँगा कि माँ भारती की सेवा में हमेशा के लिए जुड़े रहे, बस उतनी ही इच्छा, किसी न किसी तरह से माँ भारती की सेवा करते रहे। What kind of a father are you? मतलब आप एज ए पिता अपने पिता की तरह हैं या आप अपने बच्चों को कुछ और ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं? बिकॉज आजकल के बच्चे 2020s के हैं, 2018s के हैं। हमारे यहाँ जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपने भारत देश से 8 साल छोटा था, फिर मैं भारत के साथ बड़ा हुआ, बड़ा मैंने तो देखा। अब धीरे धीरे जो आजकल के बच्चे हैं वो स्वतंत्र भारत में पैदा हो रहे हैं, और ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, ये मैं बहुत अच्छी मेरी सोच है। तो आप अपने आने वाले अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को क्या बोलना चाहते हैं? मेरी बेटी को मैं हमेशा के लिए कहता हूँ कि हमें पास्ट पता होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आज भी यानी गोवा के 60 साल हो गए मुक्ति के, लेकिन जो लिबरेशन में जो रहे उनकी याद किसी को नहीं है जी। सबको यानी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंता रहती है, लेकिन जब तक पास्ट पता नहीं होगा तब तक वो आगे जाते वक्त यानी उनकी, चाहे वो यानी
देश सेवा हो, राज्य के लिए सब कुछ हो, सबको यानी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो सकते हैं। मेरा तो कहना है कि खुद के लिए जियो, कोई चिंता नहीं है खुद के लिए जीने की, लेकिन जीते जीते बाकी किसी के लिए तकलीफ मत क्रिएट करो। एटलीस्ट यानी आपकी पूरी ज़िंदगी में कम से कम कुछ तो दूसरे के लिए करना सीखो, डेट्स ऑल। तो फिर सब कुछ यानी हम तो देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन खुद की ज़िंदगी जीते जीते जो छोटा बहुत दूसरे के लिए करेंगे उतना भी बहुत काफ़ी हुआ यानी इस देश सेवा में, देश सेवा करने में, राज्य सेवा करने में। Your wife is also in a way in politics, and she's also a teacher. Do you take advice from her, or do you discuss the issues with her? मेरी सबसे बड़ी क्रिटिसाइजर कौन है तो मेरी वाइफ। मेरी भी यानी उसी से एक्चुअली हमेशा के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा, मुझसे सबसे पहले यानी कुछ भी रहने दो, यानी कौन सी भी गलती रहने दो, कुछ भी रहा तो सबसे पहले वो बता देती है। ओह वंडरफुल, दिस इज रॉन्ग यू डिड। अच्छा, या तो फिर आई हैव टू टेक ऑलवेज मींस लर्न फ्रॉम हर। दैट्स राइट, दैट्स इट्स या बिकॉज़ दैट्स अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। गोवा में कोई आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन नहीं था, आप पढ़ाई करने के लिए कोल्हापुर गए और अब आप गोवा में, मैं कहूँगा कि देश का सबसे बड़ा वन ऑफ द बेस्ट और आई थिंक द बेस्ट आयुर्वेदिक संस्थान खोलने जा रहे हैं। टेल अस अबाउट इट। जी हाँ, यानी जब मैं आयुर्वेदिक पढ़ने गया था तभी कॉलेज में नहीं था। उसके बाद में गोवा में कॉलेज हो गई, उसके बाद में सभी इंस्टीट्यूट होने लगे। इवन दो पर्सनली वन माई ट्रस्ट डीन दयाल रिसर्च फाउंडेशन, वी आर स्टार्टिंग अवर ओन हॉस्पिटल ऑल्सो इन गोवा विद मेरी ट्रस्ट की तरफ से। हम बिचोली में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल क्रिएट कर रहे हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन डाला है, एक साल में वो भी पूरा हो रहा है। अच्छा, हमारे ट्रस्ट की तरफ से जो बिचोली में हो रहा है। और सेकंड गवर्नमेंट की तरफ से हमने जो यानी तब के आयुष मिनिस्टर और अब के हमारे मंत्री श्री श्रीपाद जी नाइक, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से पहला आयुष इंस्टीट्यूट जो गोवा में स्टार्ट हो रहा है, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के वास्ते इतना अच्छा हॉस्पिटल हम यहाँ खुलने जा रहे हैं। 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस जो 8 दिसंबर से यहाँ पे गोवा में हो रही है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। आपको आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं? एक्चुअली मुझे एकांत में बैठना कुछ नहीं तभी मुझे रिलैक्स फील होता है, बट बहुत कम समय मिलता है। काम मिलने देता हूँ एकांत आपको। यस, बस यानी 5 मिनट भी समझो काम एंड कूल बैठा तो ही बड़ा रिलैक्स फील होता है। आप फिल्में देखते हैं? मैं ज़्यादा फिल्में नहीं देखता हूँ, लेकिन रिसेंटली फिल्म आपकी देखी कश्मीर फाइल्स। जी, वो भी थिएटर में जाके देखी। अदरवाइज फिल्म देखने के लिए भी टाइम मिलता नहीं, लेकिन कश्मीर फाइल मैंने अभी रिसेंटली। आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था बहुत कामयाब तरीके से आपने आयोजित किया। ऑफकोर्स उसमें पूरा डिफरेंट पैराफर्निलिया था, पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे होस्ट थे आप, और भगवान आपको ऐसी मंजिलों तक ले जाएँ जो शायद आपने सोची नहीं हो। एंड इट वॉज़ ए प्लेजर टॉकिंग टू यू डॉक्टर प्रमोद सामने।